लखनादौन विधानसभा के सिविल अस्पताल बने रेफर सेंटर। सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा कहलाती है और यह विधानसभा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा के नाम से भी जानी जाती है। इस विधानसभा में दो महत्वपूर्ण तहसील है जिसमें मुख्यालय लखनादौन और घनसौर क्षेत्र महत्वपूर्ण कहलाता है। दोनों ही तहसीलों के सिविल अस्पताल अब रेफर सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। लखनादौन विधानसभा पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा दोनों ही ऑक्सीजन में नजर आती हैं, जिसका प्रमाण यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था है। लखनादौन और घनसौर सिविल अस्पताल में सर्जन, एमडी, महिला स्पेशलिस्ट, चिकित्सक और मरीज की चेक करने के लिए आधुनिक मशीनों का अभाव है, जिस कारण यहाँ पर मरीजों को प्राथमिक उपचार तो मिलता है पर उसके बाद रेफर कर दिया जाता है। अधिकांश देखा जाता है कि दुर्घटनाओं से ग्रसित मरीजों को मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर सिवनी या 80 किलोमीटर दूर जबलपुर रेफर किया जाता है। जब यहाँ के डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मशीन न होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था के मरीजों को सिवनी या जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा होता है कि भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, बावजूद इसके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव नजर आता है। जो भी मतलब एक्सीडेंटल केस जो हमारे पास आते हैं उनका हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और स्थिति को देखते हुए जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको हम लोग रिफ़र करते हैं। रिफ़र इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह नहीं है और स्पेशलिस्ट वगैरह नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ प्लेन MBBS डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट एक भी डॉक्टर्स नहीं है। लखनादौन विधानसभा में दो बड़े हॉस्पिटल हैं, एक लखनादौन एक घनसौर। घनसौर इन दोनों हॉस्पिटल का आलम यह है कि ना तो कोई यहाँ पर सर्जन है, ना यहाँ कोई बच्चों के डॉक्टर हैं, ना महिलाओं के डॉक्टर हैं। एक्सीडेंटल की स्थिति जो है कि प्राथमिक उपचार तो मिल जाता है, मगर यहाँ सर्जन नहीं होने के कारण यहाँ अफरा तफरी का माहौल रहता है, लोगों को यहाँ से रेफर किया जाता है। तो बच्चों के डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, महिलाओं के डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यहाँ कि सर्जन नहीं है यहाँ घनसौर हॉस्पिटल में। कई वर्षों से लगातार सरकार से अपेक्षाएं की जा रही है, लेकिन विगत दिनों में देखने को आया हुआ है कि प्राय लखनादौन विधानसभा में जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं वो सिर्फ शोभा की सुपारी है, ना ही वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ना ही कोई MBBS डॉक्टर है और ना ही कोई मेडिसिन डॉक्टर है। यदि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे घनसौर हॉस्पिटल या विधानसभा के किसी भी हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं तो वहां डॉक्टर का फर्स्ट ये रहता है कि तत्काल इसको रिफ़र किया जाए और इसे दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया जाए। मेडिकल ऑफिसर प्राय होनी ही चाहिए और मेडिसिन डॉक्टर होनी चाहिए, सर्जन होना चाहिए, ये हमारा मानना है और सोचना है। क्या है, ये अस्पतालों में जैसी आवश्यकता है उसी हिसाब से उपयुक्त उस लाई के डॉक्टरों की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्थित नहीं होने के कारण है। उसका कारण ये है कि आज अगर बड़े डॉक्टर जो तत्काल उपचार दे सकते हैं एक्सीडेंटों में अगर कोई आता है तो वो मरीज के लिए तत्काल इलाज की ज़रूरत पड़ती है और सारी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, वो अगर कहीं अस्पताल में नहीं होने से वो रिफ़र सीधे मेडिकल या वो और अन्य जगह करते हैं और वो व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मानता हूँ मैं। इस समय में ये तो इतना बड़ा अस्पताल है घनसौर का है, जिसको उस समय में जो बनाया गया था या अभी तक की पूर्ण रूप में व्यवस्थित नहीं हुआ है, इसमें और सारी सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है।